हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जीओवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। क्या आपको पता है भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? आप इस सवाल का जवाब कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज सुबह सुबह की बड़ी खबरें। रिजर्व बैंक ने फिर दिया झटका और 0.25% बढ़ा दिया रेपो रेट। महंगी होगी आपकी ईएमआई। वित्त वर्ष 2022-23 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आखिरी क्रेडिट पॉलिसी के फैसलों का ऐलान हो गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि रेपो रेट में 0.25% का इजाफा किया गया है। रेपो रेट बढ़ने के बाद बैंक अपने रेपो रेट लिंक्ड लोन और फ्लोटिंग रेट लोन के ब्याज दरों में इजाफा करते हैं, जिससे आपके फ्लोटिंग रेट वाले होम लोन की ईएमआई या की अवधि में बढ़ोतरी हो जाती है। रेपो रेट वह दर होती है जिसके तहत रिजर्व बैंक अन्य कमर्शियल बैंकों को कर्ज देता है। इसे 6.25% से बढ़ाकर 6.50% कर दिया गया है। अगर आप भविष्य में किसी भी तरह का लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपको महंगी दरों पर बैंक कर्ज देंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ऐलान किया है कि एमपीसी ने रेपो रेट को 0.25% बढ़ाया है। इसके बाद देश में रेपो रेट बढ़कर 6.50% पर आ गया है। राहुल गांधी के भाषण पर पीएम मोदी का तंज। कहा, कुछ लोगों को नींद भी अच्छी आई होगी, शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सहित विपक्ष के अडानी ग्रुप के मामले को लेकर लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के भाषण की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कुछ समर्थक उछल रहे थे, कह रहे हैं कि उनके भाषण से पूरा इकोसिस्टम हिल रहा है। कुछ लोग खुश होकर कह रहे थे कि यह हुई न बात, इनको नींद भी अच्छी आई होगी, शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे। ऐसे करके सत्ता में वापसी की बात खुद को बहलाने जैसी है। पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में बोला। पीएम मोदी ने शायराना अंदाज में कहा कि ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि ये कह कह कर हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बड़े घोटाले से जो देश मुक्ति चाहता था वो देश को मिल रही है। प्रेसिडेंट मुर्मू के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए गांधी ने बिजनेसमैन गौतम अडानी की संपत्ति में भारी वृद्धि को 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने से जोड़ा था। पीएम मोदी ने कहा कि अब प्रेसिडेंट मुर्मू का अभिभाषण हो रहा था तो कुछ लोग कन्नी काट गए, कुछ लोग उनका अपमान भी कर चुके हैं, जनजातीय समुदाय के प्रति नफरत भी पहले दिखा चुके हैं। जब इस तरह की बातें टीवी के सामने बोली गई और बाद में चिट्ठी लिखकर बचने की कोशिश तो की गई है। उन्होंने कहा कि हर किसी ने अपने अपने आंकड़े और तर्क दिए हैं, अपनी रुचि प्रवृत्ति और प्रकृति के अनुसार अपनी बातें रखी हैं। जब बातों को समझने का प्रयास करते हैं तो यह भी ध्यान में आता है कि इसकी कितनी क्षमता, योग्यता और इरादा है। देश इन सभी का मूल्यांकन करता है। माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग और एज के साथ चैट जीपीटी को किया इंटीग्रेट। बदल जाएगा सर्च करने का एक्सपीरियंस। माइक्रोसॉफ्ट ने चैट जीपीटी को बिंग और एज के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। अब सर्च इंजन और ब्राउजर बहुत ही डिटेल्ड रिजल्ट्स दिखाने में सक्षम होंगे। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने एक ब्राउजर के लिए AI इन्हेंस्ड फीचर को भी पेश किया है और कंपनी का दावा है कि चैट जीपीटी के इंटीग्रेशन से वेब ब्राउज करने और ऑनलाइन जानकारी खोजने का पूरा अनुभव बदल जाएगा। आपको बता दें कि बिंग में डिफिकल्ट सर्च के लिए एक नई इंटरैक्टिव चैट सुविधा भी जोड़ी गई है। बिंग में नेक्स्ट जेनरेशन ओपन AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल का इस्तेमाल किया गया है, जो कि चैट GPT और GPT 3.5 से कई ज़्यादा एडवांस है। माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की है कि नया बिंग डेस्कटॉप पर सीमित यूजर्स के लिए उपलब्ध हो गया है। बाकी के यूजर्स bing.com पर साइन अप करके अपना नाम वेटिंग लिस्ट में जोड़ सकते हैं। कंपनी का कहना है कि आने वाले हफ्तों में लाखों लोगों तक प्रीव्यू को पहुँचाया जाएगा। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद इमोशनल हुए विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। बोले, पहली बार हुआ ऐसा एहसास। कार एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हुए टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की हेल्थ पर बड़ा अपडेट सामने आया है। ये अपडेट पंत के फैंस के लिए गुड न्यूज से कम नहीं है। यह जानकारी पंत ने खुद ही दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है और इसके कैप्शन में लिखा है, कभी नहीं पता था कि बाहर बैठ पाना और ताजी हवा में सांस लेना इतना अच्छा महसूस कराता है। आपको बता दें कि पंत इस समय कोकिलाबेन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं, जहाँ पर वह 4 जनवरी से एडमिट थे।
ईएमआई पेमेंट नहीं कर पाने पर बैंकों के पेनल्टी चार्ज वसूलने पर आरबीआई लगाएगी लगाम, सीमित किया जाएगा चार्ज। खबर है कि उपभोक्ताओं द्वारा किसी महीने में लोन की ईएमआई के भुगतान नहीं कर पाने पर बैंकों या एनबीएफसी की ओर से भारी भरकम जुर्माना लगाने पर बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर आरबीआई ने नकेल कसने का फैसला किया है। बैंकों द्वारा लगाए जाने वाले पेनल्टी चार्ज की रकम पर आरबीआई लिमिट तय करने वाला है। आरबीआई ने कहा कि बैंकों या एनबीएफसी द्वारा लगाए जाने वाला पेनल्टी कमाई का जरिया नहीं हो सकता है। मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौजूदा समय में कर्ज के भुगतान नहीं किए जाने पर बैंकों और दूसरे रेगुलेटेड वित्तीय संस्था की पेनल्टी लगाए जाने की पॉलिसी है, लेकिन ये संस्थाएं पेनल्टी लगाने को लेकर अलग अलग नीतियां अपनाती हैं, जिसे कई बार ये पाया गया है कि ये पेनल्टी चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसे में पेनल्टी वसूलने के मामले में पारदर्शिता बढ़ाने, उसे सीमित करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए पेनल्टी चार्ज लगाने को लेकर स्टेक होल्डर से सुझाव लेने के लिए आरबीआई गाइडलाइंस जारी करेगी। आरबीआई ने कहा कि अब ये तय किया गया है कि कर्ज की अदायगी में देरी या डिफॉल्ट करने पर लगाए जाने वाले पेनल्टी चार्ज सीमित होने के साथ ही पारदर्शी होगा और ये कर्ज पर वसूले जाने वाले ब्याज दरों पर पेनल्टी ब्याज दर के रूप में नहीं वसूला जा सकता। पेनल्टी चार्ज अलग से वसूला जाएगा और बकाया प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ा नहीं जा सकता। दिल्ली में 54 लाख वाहनों पर गिरेगी गाज, हो जाए सावधान, ये व्हीकल्स हो रहे हैं जब्त। दिल्ली एनसीआर में मियाद पूरी हो चुकी वाहनों को जब्त करने के अभियान के तहत बीते 10 दिनों में 150 व्हीकल्स जब्त किए गए हैं। दरअसल दिल्ली में आयोजित होने वाली G20 की बैठक से पहले सरकार सड़कों पर खड़े पुराने वाहनों को हटाने की योजना पर काम कर रही है। हालांकि जब्त करने का ये नियम सिर्फ उन्हीं वाहनों पर लागू होगा जो सार्वजनिक स्थानों पर खड़े हुए हैं या फिर चलते हुए पाए जाएंगे। इसी कड़ी में दिल्ली परिवहन विभाग ने 54 लाख से ज्यादा वाहनों का डेटा तैयार किया है जो अपनी मियाद पूरी कर चुके हैं। अब एटीएम से रुपए नहीं सिक्के निकलेंगे, 12 शहरों में शुरू होगी इसकी सेवा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक में हुए फैसलों की घोषणा करते हुए बताया कि केंद्रीय बैंक QR आधारित वेंडिंग मशीन का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा। ऐसा सिक्कों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। रिजर्व बैंक शुरुआती चरण में इसे 12 शहरों में शुरू करेगा। गवर्नर ने कहा कि इन मशीनों का इस्तेमाल UPI के जरिए किया जाएगा और यहां बैंक नोट की जगह सिक्के निकलेंगे। RBI गवर्नर ने 2023 की अपने पहले मौद्रिक भाषण में रेपो रेट को 0.25% बढ़ाने की घोषणा की है। प्लास्टिक के बोतलों से बने हुई जैकेट पहनकर संसद पहुंचे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लोकसभा पहुंचे तो वैसे सब कुछ आम दिनों जैसा ही था, लेकिन एक खास बात ने सबका ध्यान खींचा और वो था पीएम मोदी का जैकेट। हल्के नीले रंग की ये जैकेट प्लास्टिक की बोतलों से बनी हुई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पीएम को बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक में ये जैकेट भेंट की थी। आपको बता दें कि मोदी ने जिस जैकेट को पहना था उसके कपड़े को तमिलनाडु की कंपनी श्री रेंगा पॉलीमर्स ने तैयार किया है, जिसे बाद में गुजरात में मौजूद पीएम के टेलर ने जैकेट के तौर पर तैयार किया। इस तरह के जैकेट बनाने में 15 बोतल का इस्तेमाल होता है। भारत में टीवी देखना जल्द होने वाला है महंगा, ये रहा इसका वजह। अगर आप भी टीवी देखने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार DTH सर्विस जल्द ही महंगे होने जा रही है। नए टैरिफ ऑर्डर NTO 3.0 के कारण यूजर्स को 5-6% ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार DTH सर्विस की बढ़ी हुई कीमत को फेज्ड मैनर में वसूला जाएगा। रिपोर्ट की माने तो कस्टमर के बिल में 25 रुपए से लेकर 50 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि ब्रॉडकास्टर्स ने अपनी टैरिफ प्लान्स के बारे में बताना शुरू कर दिया है। एयरटेल ने भी अपने कस्टमर्स को रिवाइज्ड प्लान्स के बारे में नोटिफाई करना भी शुरू कर दिया है। एयरटेल की बढ़ी हुई कीमत लगभग 17 रुपए है। बता दें कि ब्रॉडकास्टर्स कानूनी लड़ाई हार चुके हैं। नए संशोधनों या NTO 3.0 के तहत प्रसारकों को सेक्टर नियामक द्वारा चैनलों की कीमत बढ़ाने की अनुमति दी गई थी, जो कि बुके का हिस्सा है। बिल्किस बानो केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट 11 दोषियों की रिहाई पर फिर करेगा विचार, दिया ये आश्वासन। खबर है कि बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों की रिहाई के मामले पर सुप्रीम कोर्ट फिर से विचार करेगा। इस संबंध में टॉप कोर्ट ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस मुद्दे पर सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि दोषियों की रिहाई के खिलाफ बिल्किस बानो की वकील शोभा गुप्ता ने टॉप कोर्ट का रुख किया था।
वकील शोभा गुप्ता ने कहा कि अदालत इस मामले पर तत्काल एक पीठ गठित करे, जो जज बेला एम त्रिवेदी ने याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। दरअसल 24 जनवरी को सामूहिक दुष्कर्म मामले में 11 दोषियों की सजा में छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी थी। नीट पीजी और नीट एमडीएस के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, इतने बच्चों को होगा फायदा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी और नीट एमडीएस 2023 एग्जाम में अपीयर होने वाले कैंडिडेट्स के लिए इंटर्नशिप की लास्ट डेट को बढ़ाने का निर्णय लिया है। कट ऑफ डेट को 30 जून से बढ़ाकर 11 अगस्त कर दिया गया है, जिसका फायदा 13,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को होगा। डेट्स चेंज करने के फैसला उन कैंडिडेट्स के लिए सुनहरा मौका है जो डिले इंटर्नशिप की वजह से नीट पीजी 2023 एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं थे। अब वो स्टूडेंट्स भी एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं जो 1 जुलाई से 11 अगस्त तक अपनी इंटर्नशिप पूरा कर रहे हैं और सभी बाकी सभी नॉर्म्स को पूरा करते हैं। केंद्र पर जमकर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा देश में हर तरफ नफरत, लेकिन पीएम बने हुए हैं मौनी बाबा। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी से कई सवाल पूछे हैं। इसके साथ ही कई आरोप भी लगाए। खड़गे ने कहा कि आज देश में हर जगह नफरत का माहौल है और मैं पीएम से पूछता हूं कि वो इन सबको देखने के बाद भी चुप क्यों बैठे हैं। पीएम नफरत फैलाने वालों को क्यों नहीं डरा रहे हैं। पीएम मौनी बाबा बनकर बैठे हुए हैं, इसलिए ये हालात पैदा हुए हैं। खड़गे ने कहा कि देश में धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, दलित अगर मंदिर जाए तो उसे पीटा जाता है और कोई सुनवाई तक नहीं होती। मौजूदा दौर में नफरत को छोड़कर भारत को जोड़ने की जरूरत है। अडानी मुद्दे पर भी खड़गे केंद्र सरकार को घेरते हुए दिखे। खड़गे ने पूछा कि कैसे एक आदमी 12 लाख करोड़ पर कब्जा करके बैठा है, उसके खिलाफ JPC बनाई जानी चाहिए। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और हिमपात हो सकता है। बारिश और हिमपात की तीव्रता बढ़ सकती है और उत्तराखंड को भी ये कवर कर सकता है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के दिन और रात के तापमान में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। आज का सुविचार, जिंदगी इतनी मुश्किल इसलिए है क्योंकि लोग आसानी से मिली चीज की कीमत नहीं जानते। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।